भगवान की बड़ी लीला है। मनुष्य का स्वभाव है कि दुख का विचार करें। किस विचार को करें? हाँ, इसको अंग्रेजी में मिसिंग टाइल सिंड्रोम कहते हैं। क्या कहते हैं? मिसिंग टाइल सिंड्रोम। सिंड्रोम यानी एक प्रकार का मनोव्याधि। सिंड्रोम का अर्थ है मनोव्याधि। कई लोगों का आप में होगा, ऊंचे छतों में जाके झांके तो एकदम घबराहट होता है। एकदम छत पर जाएं और कहीं झांके तो घबराहट हो। कितने लोग ऐसे घबराहट वाले हैं? ये एक सिंड्रोम है। सिंड्रोम यानी एक प्रकार की मनोव्याधि। मिसिंग टाइल सिंड्रोम उसे कहते हैं कि एक बड़े फाइव स्टार होटल में जाओ, वहाँ बड़े बड़े पूल होते हैं ना, नहाने के लिए स्विमिंग पूल बोलते हैं। क्या बोलते हैं? अबे स्विमिंग पूल में आप जाओ ना, हजारों टाइल से, क्योंकि फाइव स्टार होटल के स्विमिंग पूल बच्चों के लिए अलग, बड़ों के लिए अलग, ऐसे अलग होते हैं। तो बहुत बड़े बड़े होते हैं, हजारों टाइल्स लगे होते हैं। कितने? अब हजारों टाइल्स लगे हों, उसमें से एक निकल चुका हो, उस जगह से एक टाइल निकल गया हो, आपको हजारों टाइल दिखेंगे कि वो निकला हुआ जगह ही दिमाग में जाएगा? हाँ, अच्छा भाई, एक बड़े से भगोने में हजार लीटर दूध भर दिया। हजार लीटर दूध भरे हुए इस भगोने में एक ही राई गिरी हुई है। क्या गिरी है? कितनी बड़ी होगी राई? वो ऊपर तैर रही है। आपका दिमाग हजार लीटर दूध में जाएगा कि राई में जाएगा? इसको जब बदलोगे, विज्ञान कहता है कि इस दिमाग के जो आपकी तरीके को बदलोगे, आपके पास जिंदगी में हाथ पैर आंख नाक जीने का तरीका, बुद्धि मन व्यवस्थाएं घर भोजन सब दूध के भगोना जितना है, लेकिन राई जितना दुख को लेके हर दम उसी को देखते रहते हैं हम लोग। वो दुख है राई जितना, हमको वो पहाड़ जितना दिखता है, क्योंकि उसी को देखते रहोगे तो वही दृष्टि में पड़ा रहता है। हजारों टाइल्स लगे हुए हैं स्विमिंग पूल में, आपको हजारों दिखते हैं क्या? कौन सा दिखता है? उखड़ा हुआ। तो आज निवेदन करूंगा कि कृष्णगिरी आए हो, आपका दृष्टिकोण बदलना है। दुनिया नहीं बदलेगी, जब दृष्टिकोण बदलेगा तो हर चीज में आनंद को देखने की बुद्धि प्रकट हो जाएगी आप। जय जय गुरुदेव। हमारा जो मनुष्य का दिमाग बना है ना, ये पानी की व्यवस्था से बना है। पानी का स्वभाव है ढलान की तरह बहना, जहां ढलान है उस तरफ बहना पानी का स्वभाव है। मन का स्वभाव भी है गंदगी को सोचना, दुख को सोचना, विकार को सोचना। हाँ, बुड्ढे बुड्ढे भी इससे कोई बचे हुए नहीं, मरते बुड्ढे के दांत गिर जाते हैं, शरीर ढीला पड़ जाता है, पलंग से उठ भी नहीं सकता हो, काम विकार उसको भी सताता है। ये मन की व्यवस्था है, समझो, ये मन की व्यवस्था है। तो क्या देखूं मैं, ये दृष्टिकोण जब बदलेगा, कृष्णगिरी आना, संतों के शब्दों को सुनना, संतों की वाणी को जीवन में लेने का अर्थ है। देखो, संतों को सुन लिए काफी नहीं है। संत कहना चाहते हैं कि आपके जीवन में जितने दुख है उसको अगर सोचते रहोगे, वो सोच और ज्यादा दुखों को आकर्षित करता रहेगा निरंतर आपके जीवन में, क्योंकि जिस चीज पर विचार जाता है चुंबकीय मानसिक ऊर्जा उन वस्तुओं को अपने जीवन में लाता रहता है। ये एक चुंबकीय व्यवस्था है। इसलिए क्या है उसको छोड़ के क्या चाहिए उसमें दिमाग लगाना चाहिए।